दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं 15x35 का मॉडल जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज पूरा डिजाइन आज हम डिस्कस करेंगे 15x35। जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होगी, मैंने पूरा यहां पर फ्रंट डिजाइन आप देख पा रहे होगे और पूरा लास्ट तक। तो अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो 15 फिट है और लंबाई की बात करें तो ये पूरा 35 फिट है। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा दूंगा। ये ट्रांसपेरेंट करके आप देखेंगे तो ये और भी बेहतरीन आपको दिखने वाला होगा। तो देखिए, जैसे मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा ये मॉडल तो आपको ऊपर से नीचे तक विद कितने बेडरूम हैं, कहाँ पर सीढ़ी स्टेयर्स हैं और कहाँ पर कमरा है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो ये पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे, बस बने रहें आप इस वीडियो में। और यदि आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों रेड कलर के बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं लेटेस्ट एंड अपडेटेड होम डिजाइन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, घर के नक्शे आपके जो भी होते हैं। और ये जो मॉडल आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने बोला था कि सर 15x35 का एक मॉडल डिजाइन करिएगा, तो उन्हीं के कहने पर मैंने ये डिजाइन किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई मॉडल मैं डिजाइन करूँ आपके लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि सबके मॉडल मैं डिफाइन नहीं बता पाता हूं, क्योंकि कमेंट 50-60 लोग करते थे तो मैं सारे मॉडल तो नहीं बना सकता हूं, उनमें से कोई एक रैंडम मॉडल चूज कर लेता हूं, उसी को डिस्कस करता हूं। तो जैसा कि एक शर्त है उनका 15x35 का आज मॉडल है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पूरा मैं ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर दिया। सबसे पहले चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो आप ये देख सकते हो इसका मॉडल, ये फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग है पूरी। तो अगर हम चौड़ाई की बात करें, मैंने बता चुका 15 फिट है और लंबाई है 35 फिट। तो ये मेन डोर है आपका। अगर हम इस वाले रूम की बात करें तो ये दोस्तों इसका पूरा जो साइज है अप्रोक्स है, मैं बता दूं 9x ये टोटल 12, ठीक है, मतलब 9x12 का है। इसके अगर हम चौड़ाई की बात करें 9 फिट है और लंबाई की बात करें तो 12 फिट है। और पूरा डिटेल आप देख सकते इस वेबसाइट पर। जैसा कि आप ये वेबसाइट देख पा रहे होंगे 15x35, यहाँ पर क्या है जो दोस्तों मैं एग्जैक्ट डायमेंशन आपको डालता हूँ, जैसा कि आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं रूम की बात करूँ 11.5 × 10 चौड़ाई की बात करें 10 फिट है और लंबाई 11.5 फिट, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डायमेंशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर आगे सब कुछ देख सकते हैं। अब हम अगर बात करता हूँ मॉडल की, तो ये आपका देखिए गैलरी जो 5 फिट की बची है अप्रोक्स, तो यहां से आप जैसे एंटर करेंगे तो आपकी ये स्टेयर्स हैं, एल साइज के स्टेयर्स आपका हो जाता है। इसी स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ी के नीचे आप अपना लेटरिन एडजस्ट कर सकते हैं और साइड में अपना आप बाथरूम यहां पर बनवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आप देखा है। और ये पोर्शन की बात करें तो ये टोटल है 11 फिट, 12 ये और 11 फिट है, 12 ये टोटल, ठीक है। तो अगर आप पीछे वाले पोर्शन की बात करें तो 12 फिट। अब इसमें क्या है, मैंने जो गैलरी 5 फिट का था वो सेम जाएगा सामने, लेकिन मैंने यहाँ पर जो मुख्य इसका दरवाजा था यहाँ ना लगाकर इस यहाँ पर खिड़की दिया है मैंने इस वाले पर दिया है। तो यहाँ पर गेट मैंने यहाँ 3 फिट का एक दिया है पोर्शन, जहां से आप यहाँ पे गेट दे पाएंगे। ये आपका किचन हो गया, ये तो किचन हो गया, यहाँ पर लेटरिन और बाथरूम पूरा एडजस्ट हो जाते हैं और आपके 2 बेडरूम यहाँ पर निकल आते हैं। तो ये डिजाइन होगा ग्राउंड फ्लोर का। मैंने इस रूम के लिए यहाँ पर एक दोस्तों विंडो दिया है और एक अंदर से भी विंडो दिया है, ये आपका मेन गेट है इसके लिए। और अगर हम बाथरूम की बात करें तो ये इनका मेन डोर है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा खिड़की दे सकते हैं। और ये किचन हो गया आपका, ये एक बेडरूम हो गया, जिसके लिए मेन दरवाजा आप इधर भी लगा सकते हैं या इधर लगाएं, आप इधर ही रहने दें तो ज्यादा बेस्ट आपका रहेगा। अब इसका हम फर्स्ट फ्लोर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर आपको फ्रंट से ऐसे दिखने वाला है, आपका मेन डोर ये होगा, मैंने बालकनी निकाल दी है अप्रोक्स 2.5 फिट की, और जो आपका नीचे था जो गैलरी थी वो यहाँ पर हट जाती है। आप जैसे स्टेयर से चढ़ के आएंगे यहाँ पर तो पीछे वाले 2 बेडरूम आपको पूरे मिल जाते हैं, बड़े से बेडरूम 15x12 के। इसका एग्जैक्ट डायमेंशन आप दोस्तों वेबसाइट पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने बता रखा है, आप देखिएगा ये फ्लोर का। इसका ये 2D मॉडल होता है, ये 3D मॉडल होता है यहाँ पर। इसका जिसके फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये 2D मॉडल है और इसका 3D मॉडल ये है। तो पूरा एग्जैक्ट डायमेंशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा कितने बाई कितने रूम है, तो इस वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें। तो ये तो हो गया आपका सेकंड फ्लोर का प्लान। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट फ्लोर। लास्ट फ्लोर पर मैंने कुछ नहीं बनाया, फ्रंट से आपको ऐसे दिखने वाला, इससे मैंने छत बना दी है और जीने को ढक दिया है।
और अगर आप चाहते हैं ऊपर बनवाना तो सेम मॉडल जो फर्स्ट फ्लोर पे बना वही आपका बन जाएगा सेकंड फ्लोर पर। तो ये पूरा मॉडल था जो मैंने आपको डिस्कस किया। तो पूरे डिटेल जाने के लिए आप वेबसाइट पर चले जाएं और मैंने वैसे भी यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, डिजाइन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है स्मॉल हाउस प्लान को तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर भी विजिट करें। और अगर आपका कोई मॉडल है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सबके नहीं बना पाऊंगा लेकिन हाँ किसी न किसी एक का जरूर बनाऊंगा।